अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी की बात करें तो जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है तब से ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इस फिल्म में अक्षय के अलावा दो बड़े किरदार हमें देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह की भी काफी बेहतरीन तरीके से रोल हमें देखने को मिलने वाला है। और ये दोनों अभिनेता इस फिल्म में अपना कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी को लेकर ऐसी खबर आ रही है जिसमें पूरा बॉलीवुड हिलने वाला है। इस समय एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, इसको खुद अक्षय कुमार ने पोस्ट किया है। इस फोटो में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह साथ में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में सिंघम और सिम्बा भी दहाड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने लिखा है कि पुलिस की दुनिया के देसी अवेंजर्स, जब सिंघम और सिम्बा सूर्यवंशी से मिलेंगे तब क्या होगा। 27 मार्च 2020 को धमाका होगा। गौरतलब है कि काफी पहले से ये खबर आ रही थी कि फिल्म सूर्यवंशी में अजय देवगन, रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। और अब इस तस्वीर के आने के बाद ये साफ साबित हो गया है कि इन दोनों की एंट्री सूर्यवंशी में चार चांद लगाने वाली है। अक्षय कुमार एक कॉप की भूमिका निभाने वाले हैं और जिस हिसाब से इस फिल्म से जुड़ी डिटेल सामने आ रही है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि अक्षय कुमार की बेहतरीन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। फिलहाल सूर्यवंशी फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा रणवीर सिंह और अजय देवगन को एक साथ देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा, क्योंकि इस फिल्म में हमें जबरदस्त एक्शन इन सभी अभिनेताओं के देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है और आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। कुछ दिन पहले सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि सलमान खान ईद 2020 के मौके पर एक कॉप फिल्म लेकर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। जी हाँ, आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान ने अभी भी राधे नाम की फिल्म का नाम रजिस्टर कराया है और बताया जा रहा है इस फिल्म का नाम होने वाला मोस्ट वांटेड कॉप राधे। इस फिल्म के टाइटल से यह तो साफ साबित होता है कि सलमान खान इस फिल्म में धमाल मचाने वाले हैं और यह एक कॉप पर आधारित होने वाली फिल्म है। तो जाहिर सी बात है, इस फिल्म की दीवानगी भी हमें दर्शकों के बीच बखूबी देखने को मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इस फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं प्रभु देवा और प्रभु देवा और सलमान खान इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जानकारी भी दी गई है कि इस फिल्म की शूटिंग 4 नवंबर से शुरू की जाने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर मुंबई के बेहतरीन इलाकों में की जाएगी। बताना चाहेंगे, दिवाली के बाद भाईजान सलमान खान और डायरेक्टर प्रभु देवा इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे और बताया जा रहा है कि अभी से ही इस फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की शूटिंग खत्म कर ली है। इस फिल्म को 20 दिसंबर 2019 को रिलीज किया जाना है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सलमान खान राधे नाम की फिल्म के साथ क्या धमाल मचाएंगे ये तो फिल्म के डिटेल आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतने जरूर कहा जा सकता है कि सलमान खान अगर इस फिल्म में एक कॉप की भूमिका निभाएंगे तो जाहिर सी बात है ये फिल्म भी दर्शकों के बीच काफी ज्यादा मजेदार साबित होने वाली है।